बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर का सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में वो एक लड़के को जोरदार थप्पड़ मारते नजर आए। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने नाना पाटेकर की जमकर आलोचना करनी शुरू कर दी। आपको बता दें, नाना पाटेकर इन दिनों वाराणसी में डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म जर्नी की शूटिंग कर रहे हैं। हाल ही में ये वीडियो जो वायरल हुआ है, जिसे लेकर कहा गया है कि ये लड़का नाना के साथ सेल्फी लेने पहुंचा तो एक्टर ने उसे थप्पड़ मार दिया। इस पूरे मामले पर अब नाना पाटेकर सफाई देते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने माफी भी मांगी है। जरा आप भी सुनिए क्या कुछ कहा नाना पाटेकर ने। देखिए, वीडियो वायरल हो रहा है जहां मैंने किसी बच्चे को मारा है। हालांकि ये सीक्वेंस हमारे फिल्म का हिस्सा है, हमने एक रिहर्सल कर दी थी। एक पीछे से बंदा मुझे कहता है कि बोला टोपी बेचनी है क्या, मैंने हैट पहनी हुई है। तो वो आता है तो मैं उसको पकड़ता हूं, मारता हूं। मैं कहता हूं बदतमीजी बंद करो, तमीज से पेशा ये तरीका नहीं है, और वो भाग जाता। अब एक रिहर्सल हम कर चुके थे और दूसरी रिहर्सल करनी थी। डायरेक्टर ने कहा कि हम और एक बार करते हैं, तो उन्होंने कहा शुरू करो नाना जी। तो हम शुरू ही करने वाले थे, इतने में ये जो बच्चा जो वीडियो में है वो यहां से अंदर आ गया। अब हमें तो मालूम नहीं था ये कौन है, हमें लगा हमारा ही बंदा आया है। तो हमने सीन के हिसाब से उसको एक मार दी। मैंने कहा बदतमीजी मत करो, निकलो यहां से। और बाद में पता चला कि ये हमारा बंदा तो है नहीं, ये अलग कोई दिखता है। तो हम उनको बुलाने जा रहे थे, तब तक वो भाग गया। भाग जाने के बाद वो शायद उसके दोस्त ने कहीं वो शूट किया होगा। हालांकि हमने कभी किसी को फोटो के लिए ना नहीं बोला, और ऐसे हम करते नहीं, वहां हजारों फोटो खींचे भी हमने। यहां इतनी भीड़ रहती है वहां घाट पे, और ये तो मार्केट में सीन ये हो रहा था। अब ये गलती से हो गया, हमको मालूम नहीं वो कहां से आया, हमको हम अपना ही बंदा समझ के ये किया है। तो अगर गलत में भी कोई है तो माफ कर दो, हम ऐसे कभी किसी को मारते नहीं, आज तक ऐसा हमने किया नहीं है। और सभी के काशीवासी है, सभी के जो है इतना प्यार करते हैं लोग हमसे, और हम ऐसे हरकत नहीं करेंगे कभी। कुछ पूछना है पूछिए, बच्चा आ जाए यार, मैं उसको सामने माफी मांग लू। वो उस दिन भाग गया और हम ढूंढते रहे उसको। मैंने कहा यार खाम खा उसने एक लपड़ खाया, तो उसको ढूंढ लो, हम माफी मांग लेंगे। तो वो भाग गया कहीं, वो डर के मारे भागा होगा। वो शायद वो रिहर्सल के बीच में घुस गया था, उसको लगा था और मारेंगे शायद। तो लेकिन माफ कर लो, हम ऐसा कभी करते नहीं। पूरी शूटिंग के दौरान कैसा काशीवासी को कैसा प्यार मिल रहा है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, कि लोग इतनी मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। हम घाट पे तो आप जानते हैं कितनी भीड़ होती है, लेकिन वहां कोई दिक्कत नहीं। हम इतने दिन से शूटिंग कर रहे हैं, अगले कुछ 8-10-15 दिन शूटिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।